ओर से। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, यहाँ मौजूद मेरे सभी पत्रकार बंधु और मित्रों, जो मित्र इसलिए क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ ही हूँ, इसलिए सभी का स्वागत करता हूँ। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मेगा जॉब फेयर जो हिप्कानी सभा अपने यहाँ पर आयोजित कर रही है 18 से 21 फरवरी के बीच, उस तारतम्य में आप लोगों को सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। कुछ जानकारियाँ हम लोग के यहाँ से दी जाएंगी और कुछ जानकारियाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में आपके बीच दी है। हमारे इवेंट पार्टनर हमारे मिस्टर देव एंड मिस्टर सौरभ रायजादा जी मौजूद हैं। हमारे सेक्रेटरी विश्वन जी बिल्कुल 5 मिनट में आ रहे हैं, सभा से निकल चुके हैं। हम बाकी के प्रोसेस अपने जब तक शुरू करते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग के, फिर अपन आगे बढ़ाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। धन्यवाद। जबलपुर की, खासकर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर की जो लिटरेसी रेट है वो 89.4% है, करीब करीब 90%, जो इंडिया की लिटरेसी रेट से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। इंडिया की लिटरेसी रेट और जबलपुर की लिटरेसी रेट में कम से कम 6% का फर्क है। और मैंने ये जानने की कोशिश की कि लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा है क्यों। कारण 10 to 15 मैनेजमेंट कॉलेजेस, 29 to 30 अदर ग्रेजुएट कॉलेजेस और मेडिकल फर्मा, और इसकी बात करें तो 15 से 18 ये वाले कॉलेजेस, LLB के 7 कॉलेजेस। तो एक नेचुरल सी बात है कि अगर हम टोटल भी एक फिगर कैलकुलेट करें तो 20 से 22 हज़ार जो लोग हैं, चाहे वो MBBS से हैं, BDS से हैं, इंजीनियरिंग से हैं या BBA कोई भी सब्जेक्ट से, तो हर साल ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन लिटरेसी रेट को देखे तो मेरे को बड़ी एक खुशी भी हुई, और जब मैंने ये फैक्ट्स देखे तो मुझे एक इस चीज़ की भी खुशी हुई कि इतने सारे ग्रेजुएट हर साल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है वो जबलपुर की बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं लिटरेसी रेट के साथ से, तो वो बहुत ज़्यादा कम है। उसका रीज़न भी मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी। अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, क्योंकि ये सारे ज़्यादातर जो ग्रेजुएट्स हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो फर्मा है या फिर वो इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा है या लॉ है, तो मैं इसको टेक्निकल कोर्सेज ही बोलूँगा। तो जो भी कॉर्पोरेट हब हैं, चाहे नोएडा है, गुड़गांव है, दिल्ली है, पुणे, बैंगलोर, और उसमें मुश्किल से जबलपुर के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो 2 से 3% हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट 89% हो, जिसमें हर साल 20 से 22 हज़ार ग्रेजुएट पास हो रहे हो, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशो कॉर्पोरेट में सिर्फ 2 से 3% की बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक जबलपुर को एक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी करना चाहते हैं, जबलपुर को ट्रांसफर करके एक टैलेंट पूल बनाना चाहते हैं, जहाँ इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं, ताकि कॉर्पोरेट्स को भी पता चले कि एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट भी है इंडिया में जहाँ पर लिटरेसी रेट 89% है और यहाँ पर इतने सारे ग्रेजुएट पास आउट होते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाया। ज़्यादातर कॉलेज जॉब फेयर 1 या 2 दिन का रखते हैं, जहाँ पे वो 10 से 12 दिन की कंपनीज बुलाते हैं, 10 से 12 कंपनीज बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे रेशो इतनी ज़्यादा थी कि मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम इसको जॉब फेयर को 4 से 5 दिन का रखें, 40 से 50 कंपनीज को बुलाएं, जो नेशनल और मल्टीनेशनल सारे सेगमेंट से आए, और जो हर सेगमेंट के स्टूडेंट्स को जॉब भी दें। उसके अलावा फिर हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो रिलोकेट नहीं होना चाहते, जिनमें ज़्यादातर रेशो जो है वो गर्ल्स की है। लेकिन हर कंपनी का कुछ ना कुछ कोई सेगमेंट यहाँ पर भी है, जैसे KFC है और कुछ रिटेल शॉप्स हैं या कुछ भी हैं, वोडाफोन है, उन सबकी यहाँ पर भी अपने जॉब्स हैं। तो हमने उसका एक अलग से हेल्प डेस्क बनाया, जिसका नाम हमने जॉब्स एट जबलपुर रखा है। अपलोड होता है, इवन जिसके पास एक्सपीरियंस भी है वो डायरेक्टली अपना जॉब वहाँ पर अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, और जितने कॉर्पोरेट्स हैं वो जो भी यहाँ पर आएंगे कॉर्पोरेट्स, वो सारे अपने टाइम टू टाइम जब भी उनके पास ओपनिंग्स आएंगी वो वहाँ पर डालेंगे। तो ये जॉब फेयर में ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ 4 या 5 दिन का जॉब फेयर नहीं है, बल्कि ये 4 या 5 साल तक चलने वाला एक जॉब फेयर है। क्योंकि एक बार जो ये कॉर्पोरेट यहाँ पे आएंगे, 40 से 50 कॉर्पोरेट एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर 40 से 50 कॉर्पोरेट आ रहे हैं तो 1500 से 2000 ओपनिंग है, और हर महीने इनके पास 200 से 400 ओपनिंग मिनिमम रहती ही। तो ये 400 से 500 ओपनिंग, अगर 50 ओपनिंग्स भी अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, जो हिप्कानी की वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होगा, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम जॉब भी मिलता रहेगा। सारा जो आज विश्व है वो एक टेक्नोलॉजी पे है, और हम टेक्निकली भी कॉर्पोरेट्स को और हिप्कानी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जॉब फेयर का मेन जो उद्देश्य था वो हमारा यही था कि ना कि सिर्फ इन 4 दिनों के लिए, बल्कि आने वाले कुछ सालों तक भी हम यहाँ के बच्चों को जॉब प्रोवाइड करते रहें। ये सारे कॉलेजेस के बच्चों के लिए खुला रहेगा या केवल सारे कॉलेजेस के लिए बच्चों के लिए खुला रहेगा। हम मीडिया के थ्रू या फिर बाकी अपने और भी जो कॉलेजेस हैं उनको हमने मेल्स भी ऑलरेडी भेज दिए हैं,
किस कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, किसकी कितनी सैलरी है, किसको यहाँ जॉब चाहिए, किसी को कहाँ जॉब चाहिए। पूरे महाकौशल क्षेत्र के लिए ओपन है, खाली जबलपुर के लिए नहीं, आसपास के क्षेत्रों के लिए भी ओपन है। ये उद्देश्य था कि आसपास के जो गाँव में बच्चे रहते हैं, चूंकि बड़े शहरों में जाएंगे उनका खर्चा होगा, उनको ढूंढने में परेशानी आती है, उनको मालूम नहीं होता कि हमें किस जगह जाना चाहिए, तो यहाँ ये अपॉर्चुनिटी उनको जब मिलेगी कि सारी कंपनीज उनके सामने होगी और उनको उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें मालूम होगा कि हमें किस जगह हमारे लिए सुटेबिलिटी है, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो एक गाइडेंस का पार्ट भी साथ में शामिल जरूर है और वहाँ पे हमारे काउंसलर्स भी बैठेंगे, जिसमें कभी उनको मान लीजिए ऐसा लगता है कि इस कंपनी में हमारे क्या प्रोस्पेक्ट हैं, आगे हमें अभी क्या और चांसेस रहेंगे, तो इस तरीके से भी गाइडेंस उनको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। करीब करीब 8 हेल्प डेस्क लगे हैं जिसको हमने करियर डेस्क का नाम दिया है, जहाँ बच्चे अपनी क्वेरीज भी अपनी पूछ सकते हैं कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन करता हूँ, मान लो मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, ठीक है, तो एक साल के बाद मेरी सैलरी कितनी होगी, 5 साल के बाद मेरी डेजिग्नेशन और मेरी सैलरी क्या होगी। तो एक स्टूडेंट जो एक क्वेरीज जिस कंपनी में भी अप्लाई करना है, उस कंपनी से अप्लाई करने से पहले उसको अपना एक पूरा करियर पाथ पता होना चाहिए, एटलीस्ट अगले 5 से 10 साल तक उसको पता होना चाहिए कि वो किस पाथ पे रहेगा, किस चीज़ पे काम करेगा, किस तरीके की उसकी ग्रोथ होगी। और अगर कोई बच्चा यहाँ से बाहर इंटरव्यू देने जाता, मान लो दिल्ली इंटरव्यू देने जाता, तो आने जाने की टिकट्स, वहाँ रहना, फिर इंटरव्यू में नहीं सिलेक्शन हुई, फिर वो वापस आएगा, फिर दूसरी के लिए फिर जाना, तो वो एक बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल भी हो जाता है स्टूडेंट के लिए, और एक में सिलेक्शन नहीं होती तो वो जाता भी नहीं है। इसलिए हमने इसका आयोजन यहाँ पर किया है कि जितने भी घर पे हैं, बेरोजगार हैं, कुछ काम करने के लिए नहीं है, अच्छे अच्छे डिग्रीज हैं उनके पास, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये जॉब उनके लिए भी ओपन है। इसमें तो टेक्निकल डिग्री और नॉन टेक्निकल दोनों रहेंगे। ये 12वीं पास से लेकर 2013, 2014 और 2015, यानी ये 4 बैचेस के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बैच के लिए ना हो। ये 4 बैचेस तो सिर्फ टेक्निकल डिग्री के लिए है, वैसे जो कंपनीज को यहाँ लाया जाए और ये 4 दिन का जो स्पैन है, कंपनी की बाइफर्केशन भी इसी अनुसार की गई है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल पाए यहाँ पर आने के बाद। लेकिन यहाँ से हिरकानी की तरफ से फ्री बस सेवा दिया गया है वहाँ तक के लिए। इसमें जो कैंडिडेट देखिए, अभी वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन का पोर्टल हमने दिया है प्रेस रिलीज में, www.hcat.hitkarani.com पे वो ऑनलाइन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब वो वहाँ आएंगे तो उन्हें 4 CVs और अपने रीसेंट फोटोग्राफ्स और एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स लेकर आने हैं, उसके फोटोकॉपी लेकर आनी है, ताकि वो सारी कंपनीज में अपीयर कर सके। आईडी प्रूफ जरूर साथ में रखें, आईडी प्रूफ जरूर लाएं। आदरणीय शोभन जी रास्ते में ही है, कार्पेट पर आने वाले हैं, तो इस बीच में हमने सोचा कि आप लोग से चर्चा हो जाए, कम से कम जो कहना चाहते हैं वो एक आम आदमी तक पहुँचे, एक आम छात्र तक पहुँचे, ताकि वो इस जगह का, इस कैंपस का लाभ ले सके। और वो पिछले यदि बेरोजगार है, पिछले 2-3 साल से मान लीजिए इस चीज़ के लिए परेशान है, तो कम से कम इस बात के लिए खुशी होगी कि हमें कम से कम खर्चे पे एक अच्छी जगह पे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ उसके सामने होंगी और उसकी पसंद की, उसके योग्यता के हिसाब से, विभिन्न प्रकार की चॉइस के हिसाब से, उसकी वो किस तरह के चॉइस या किस तरह के जॉब में जाना चाहता है, वो कंपनीज की ऑप्शन उसके सामने होगा। सर, कंपनीज और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होगा जी, उसमें वो रिटन एग्जामिनेशन भी लेंगे। सर, ऐसा है उसमें कि हम लोगों ने कोशिश तो ये रखी है कि डायरेक्ट इंटरव्यू से ज्यादा होंगे, यदि रिटर्न होता है कहीं पर, जैसे कंपनी जा रही है ना, उनके पास अपना एक सिलेक्शन प्रोसेस है, हम लोगों ने पूरी सिलेक्शन प्रोसेस बता दी है। आप मान लो अगर IBM आ रही है तो IBM के पास 3 राउंड्स है, अगर वो कहती है हम रिटर्न लेते हैं, हम वॉइस टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम PI करेंगे बच्चों के साथ, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस बाहर ही लिखा है, तो बच्चों के पास ट्रांसपेरेंसी होगी पूरी तरीके से कि हमें ये 3 राउंड्स क्लियर करने होंगे। प्लस ये है कि हमारे पास सेमिनार हॉल्स हैं जहाँ पे कंपनी वाले अपना PPT भी दे सकते हैं, तो यदि उनको लगता है प्री प्लेसमेंट टॉक के हिसाब से कि वो अपनी कंपनी में रहेंगे, MP के बाहर भी रहेंगे। नहीं नहीं, ये सारे लोकेशंस के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के जॉब्स, आप जबलपुर के लिए हैं, बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियां दोनों शामिल हैं, इसलिए कहीं पर भी वो जॉब लोकेशंस हो सकते हैं। हमने प्रेस रिलीज में दिया है वैसे, लेकिन और भी काफी कंपनीज है, IBM आ रही है, एक बड़ा नाम है IBM, इंदौर से कंपनी आ रही टेली परफॉर्मेंस, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा आपने, फ्लिपकार्ट आ रही है, jabau.com आ रही है, टेक महिंद्रा आ रही है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम, अलग अलग तरीके का हमारे पास आया हुआ जॉब डिस्क्रिप्शन। चार
से पहले जो कैंपस आयोजित हुए हैं, कितने कैंपस अभी कॉलेज का चुका है, किस किस कंपनी में अपॉर्चुनिटी दिलाई गई है, ये पहला कैंपस ऐसा इस सेशन का पूछना है साहब कि पिछले सारे सेशन तक भी जो पिछले सेशन में भी है, पिछले सेशन में लगभग 38 कंपनियां अभी तक कैंपस एक्टिविटीज कर चुकी हैं कॉलेज जो है इस सेशन में, इस सेशन की बात कर रहा हूं, मतलब जो अभी अपना जो सेशन पास आउट हुआ है इसमें आवश्यक बात ये है कि ये हितकारिणी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हितकारिणी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसको एक मंडल एजेंसी के रूप में और अपना स्थान उपलब्ध करा रहा है क्योंकि इसके लिए बड़ी जगह है, पर ये हितकारिणी के अंतर्गत होता है और इसमें अकेले इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए नहीं है, ये बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं, हितकारिणी के बच्चे भी भाग ले सकते हैं जो हितकारिणी की संस्थाओं के हैं और शहर की अन्य संस्थाओं के, बल्कि मैं कहूँगा आसपास के भी जो जिले हैं वहाँ के भी बच्चे जॉब के लिए इसका जॉब फेयर का जो है वो फायदा ले सकते हैं। बेसिकली पूरा इवेंट पूरा महापुरुष ये हितकारिणी तक लिमिटेड इवेंट नहीं है, ये भले ही हितकारिणी में हो रहा वेन्यू हितकारिणी हो लेकिन ये हर एक लोगों के लिए है। हम लोगों ने इसका एक टैगलाइन भी दिया है इस पूरे जॉब फेयर का, वॉक इन विद अ सीवी वॉक आउट विद एन ऑफर, यानी इसका मतलब आप सीवी लेकर आओ हम आपको एक ऑफर इंश्योर करेंगे अगर आप में काबिलियत है तो, यानी रोजगार का अवसर हर एक बच्चों को मिलेगा जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो रेज्यूमे देने फिर उसके बाद इंटरव्यू में जो गैप हो जाता है तो क्योंकि रिक्रूटर बहुत सारे यहाँ आए, देखिए रजिस्ट्रेशन फीस के संबंध में ये है कि इसमें वे काफी रजिस्ट्रेशन रखी है ढाई सौ रुपये और उसमें भी जो गरीब छात्र उनको निःशुल्क और के बच्चे उनके लिए बढ़ाई उनके फोटोज बनाकर डेटाबेस बनाकर कंपनी वो भी कॉर्पोरेट के साथ रिलेशन खराब होता है, कॉलेज मैनेजमेंट का होता है या उस जगह का भी एक नाम खराब होता है, यहाँ पर वही स्टूडेंट आएगा जो सीरियस है जिसको रिलोकेट होना है जिसको दिल्ली में जॉब करनी है उसमें ये शाइनिंग स्टार का नाम आया है, शाइनिंग स्टार लगता है तो इनके साथ हम कार्डनी ने जो है एक प्रयास किया संयुक्त प्रयास है, पहले भी कई जगह ये लोग कर चुके हैं। हम लोगों का लास्ट इवेंट इसके पहले हम लोग देहरादून दिल्ली अंबाला नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट सारे शहरों में बड़े बड़े इवेंट, कोशिश ये है कि जो कंपनीज यहाँ आ गई जबलपुर उसको हमेशा लाया जा सके जबलपुर, इसके लिए जरूरी है लोगों के अंदर एक बार ये जाग उनको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमने ऑफर लिया है तो हम उस ऑफर को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि कंपनीज इतना कोशिश करके अगर कोई कंपनी दिल्ली से आ रही है उसने 30 ऑफर दिए हैं उसके बाद उसके पास 30 पोजीशंस हैं, अगर 30 बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो बेसिकली जबलपुर का नाम तो होना ही होना है वहाँ पर, क्योंकि जो टैलेंट है जबलपुर का ये अगर वहाँ तक पहुँचाना है टॉप कॉर्पोरेट्स में तो ये इवेंट जो है ये बहुत बड़ा रास्ता होगा उनके लिए। के द्वारा 18 तारीख से 18 फरवरी से एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मल्टीनेशनल और टॉप इंडियन कंपनीज जो है वो जबलपुर में आकर और युवा अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिसमें लगभग 50 से 60 ऐसी कंपनियों के आने का अनुमान है, हमारा प्रयास है और इसके लिए हितकारिणी इंजीनियरिंग कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी के आगे डुमना रोड पर स्थित कैंपस है वो स्थान का चयन किया गया है। 50 दिन तक चलने वाले इस जॉब फेयर में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी तरह के जॉब के ओपनिंग्स लेके कंपनियां आ रही हैं, 12वीं उत्तीर्ण
विद्यार्थी से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट अटेंड विद्यार्थी जो जो छात्र हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें ऑनलाइन वेबसाइट पर सुविधा दी गई है www.hcet.hitkarini.com। इसके द्वारा छात्र रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद स्पॉट पर पहुंच के और कंपनियों से इंटरेक्ट करके अपने सीवी के साथ और जॉब तलाश सकते हैं। ये इस तरीके का मेरे ख्याल से महाकौशल में पहला प्रयास है और हम आप सबके सहयोग की इसमें भागीदारी की कामना करते हैं और यही मानते हैं कि इस फेयर का महाकौशल पूरे महाकौशल के युवा जो है रोजगार पाने के लिए एक अच्छा अवसर जो उनको दिया जा रहा है उसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। भैया 150 वर्ष में और आएगा ये स्टार्ट हो गया है, कैरियर से स्टार्टिंग हो गई, लेकिन अभी कुछ बूम टाइप होना चाहिए। देखो आएगा उसका भी जबलपुर स्थित हितकारिणी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में जिसमें 50 से 60 नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है जॉब ओपनिंग्स के साथ उपस्थित होंगी। हमारा ऐसा अनुमान है कि 1500 से 2500 के बीच जॉब ओपनिंग यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी तरह के जॉब की ओपनिंग्स देके कंपनियाँ यहाँ आएंगी। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सुविधा www.hcet.hitkarini.com पर करी गई है। जो भी इच्छुक व्यक्ति हो महाकौशल क्षेत्र से पूरे इस वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 18 से 22 तारीख के बीच यहाँ आकर विभिन्न कंपनियों के जो एचआर की टीमें रहेंगी उनसे कर्णी कॉलेज में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कर्णी सभा एवं आदरणीय विश्वकोन जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक रोजगार मेला के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर ऐसा छात्र रोजगार है या जिसको जैसे आर्थिक परिस्थिति या उसके कुछ स्तर करने ज़्यादा से ज़्यादा और जो आई करना आज के दिन में